खबर बिहार से है। छेड़खानी के आरोपों से घिरे जेडीयू विधायक सरफराज आलम को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ही जेडीयू ने सरफराज को पार्टी से निकाल दिया था। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए रेलवे प्लेटफॉर्म के इसी वीडियो में सरफराज आलम का झूठ पकड़ा गया था और इसी के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित तक कर दिया गया था। अब रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले उनसे कई बार हो चुकी है पूछताछ। पूछताछ के दौरान आरोप जो लगाए गए थे उसकी पुष्टि हुई है और उसमें हम लोग अनुसंधान जारी है और उनमें उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी और पूछताछ हिरासत में चल रही है। 17 जनवरी को सरफराज आलम पर विधायक रहते हुए दिल्ली गुवाहाटी राजधानी ट्रेन में दिल्ली की एक महिला से छेड़खानी और विरोध पर दंपति के साथ गाली गलौज के आरोप हैं, लेकिन उन्होंने आरोप को झूठा बताते हुए ट्रेन में सफर करने से ही इनकार कर दिया था और फिर कटिहार रेलवे स्टेशन के इस वीडियो से उनका झूठ पकड़ा गया जिसमें वो अपने बॉडीगार्ड के साथ टहलते हुए दिखाई पड़े थे। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन की जाँच में भी वो बेनकाब हो गए। सरफराज पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। तो ट्रेन में बदसलूकी का ये मामला जिसमें जेडीयू विधायक को अब गिरफ्तार किया गया है।